नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आपको ले आए हैं M9 मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक T337, देख सकते हो आप। तो हमने इसमें ट्रांसलेयरिंग मेथड अप्लाई किया है। ये रिजल्ट देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे शानदार स्प्रॉटिंग हुई है। वाटर शूट लगभग 9 से 10 इंच स्प्रॉटिंग भी हुई है कुछ एक वाटर शूट में। तो इसकी मैंने वैसे वीडियो भी डाली थी जब हमने लगाए थे, तो तब हमने थोड़ा एंगल 45 से थोड़ा ज़्यादा रखा था ताकि सनबर्न की प्रॉब्लम ना आए। कई बार पिछली बार हमारे साथ हुआ था कुछ सनबर्न की वजह से, वो पूरे जल गए थे, इसलिए थोड़ा एंगल जब तक पत्तियाँ नहीं आई तब तक हमने ज़्यादा रखा था। उसके बाद हमने इसमें ऐसे सुतली या धागा बोल सकते हो आप, इस तरह से इसमें बांधा और इसको नीचे हॉरिजॉन्टल भी मतलब नीचे ले आए जितना जितने हमें रिक्वायरमेंट थी टाइम के हिसाब से, और पीछे से स्प्रॉटिंग होना शुरू हो गया जैसे आप देख सकते हो। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी नीचे बेंड कर देते हैं जिसकी वजह से उतनी अच्छी स्प्रॉटिंग नहीं होती या तो फिर सनबर्न लग जाता है। तो इसलिए आपको लगभग 15 जून तक इसे ऐसे ही रहने देना है इस एंगल में, ताकि सारी की सारी आंखें ब्रस्ट हो सके। जैसे आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी आइज अभी ब्रस्ट भी हो रही है। और तो अगर आप जल्दी कर लोगे तो या तो आपका सनबर्न लग जाएगा या तो आपको मिट्टी के नीचे डालना पड़ेगा, उसमें स्प्रॉटिंग थोड़ी कम रहती है, पूरी आइज नहीं खुलती है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें भी स्प्रॉटिंग हो रही है पीछे से भी इस तरह से। तो फिर लगभग 15 जून के आसपास हम इसे नीचे मिट्टी में डालेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रखेंगे ताकि सनबर्न की प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अगर आपकी सारी आइज जिसमें स्प्रॉट हो गई है उसमें आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हो ग्रोथ के लिए, अदरवाइज आपको इसे पूरा ऐसे रखना है जब तक कि शूट लगभग 1-1.5 फुट तक ना आए ताकि सनबर्न की प्रॉब्लम ना आए। देख सकते हो आप, स्प्रॉटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए किस तरह की स्प्रॉटिंग हुई है। सारे इस बार आपके रूट स्टॉक बनेंगे जब हम इसे नीचे मिट्टी में डालेंगे, उसके बाद सॉडस्ट डालेंगे तो तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। स्प्रॉटिंग काफ़ी अच्छी स्प्रॉटिंग हुई है इसमें। तो आपको इसको करना है 15 जून के आसपास आपने इसे पूरा नीचे ऐसे मिट्टी के साथ लगा देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है हल्की हल्की, और थोड़ा सा उसमें गोबर भी डाल सकते हो आप। उसके बाद आपने करना क्या है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको मिट्टी की पुराई या तो फिर 100 डस्ट की पुराई करनी है। हमने यहाँ स्टोर भी कर लिया है 100 डस्ट, देख सकते हो आप काफ़ी। तो फिर बार बार लेयरिंग करनी है ताकि आपका नेक्स्ट ईयर के लिए मदर प्लांट के जो शूट्स रहेंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आइज नीचे को रहे, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको इसे डबल से ट्रिपल रूट स्टॉक मिल सके। चेक मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप स्प्रॉटिंग कितनी ज़बरदस्त स्प्रॉटिंग हो रही है। और बाकी ये M9T337 है, ये आपको देख के लगा जाता है पता। वैसे लीव्स भी आप देख सकती हो किस तरह से इसकी लीव्स, पत्तों से इसको पहचान सकते हैं आप किस तरह के रिजल्ट है हमारे पास M9T37 मल्टीप्लिकेशन। देख सकते हो आप स्प्रॉटिंग, जो नई स्प्रॉटिंग हो रही है, अगर हम इसे नीचे पूरा ज़मीन में पहले लेटा दिए होते तो इसमें सनबर्न लग जाता और ये रूट स्टॉक का हमारा स्ट्रेस में चल जाता या सूख भी सकता था। ताकि एक दो रखे भी हैं हमने एक्सपेरिमेंटली नीचे ज़मीन में लगाए हैं, जैसे आप देख सकते हो पूरे जिसे हमने ज़मीन में बिछाया है, देखते हैं इसके रिज़ल्ट कैसे रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।